नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय फेसबुक पेज पर लाइव हूं। आज अर्पणा बिष्ट, जो मुलायम सिंह की फैमिली में उनकी बहू है, वो पूरी कहानी जान लीजिए। दरअसल अर्पणा बिष्ट जो है वो प्रतीक यादव की पत्नी है, और प्रतीक यादव जो है वो साधना गुप्ता के बेटे, और साधना गुप्ता का जो प्रतीक यादव जो बेटा है वो उनकी शादी से पहले, जब मुलायम सिंह से वो शादी हुई उससे पहले उनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन वो हुए मुलायम सिंह के ही बेटे, वो उनके सौतेले बेटे हैं, ये जानकारी आ रही है। लेकिन मैं ये सब ऐसे ही बता दिया, बस और कोई बात नहीं है। मैंने एक वीडियो डाला है, अर्पणा बिष्ट क्यों गई बीजेपी में, बीजेपी में ही क्यों गई। अर्पणा बिष्ट समाजवादी पार्टी में भी थी, उनकी फैमिली की पार्टी थी, बहुजन समाज में भी जा सकती थी, MIM में भी जा सकती थी। क्या सिर्फ इसलिए बीजेपी में गई है कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, इसलिए? क्या लगता है आप लोग? अच्छा बताइए, माधवराज सिंधिया वो बीजेपी में ही क्यों गए? जितिन प्रसाद वो बीजेपी में ही क्यों गए? आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से जितिन प्रसाद, आम आदमी पार्टी से जो दिल्ली का जो विधायक था वो बीजेपी में ही क्यों गया, जो सबसे ज्यादा जहर उगलता है आजकल, जो सबसे ज्यादा लिबरल होता था। सोचिए, जो वो मिश्रा है, उसके पिताजी पत्रकार थे, वो खुद एमनेस्टी इंटरनेशनल में काम कर चुका है दुनिया के, लेकिन जब वो बीजेपी में, आम आदमी पार्टी में था, तो बहुत ही लिबरल चेहरा था, लेकिन जब वो बीजेपी में गया तो कितना कट्टर हो गया, कितना आग उगलता है, दिल्ली दंगे का उस पर मामला चल रहा है। ठीक उसी तरह से सोचिए कि, मैं कुछ दलित नेताओं पर भी आऊंगा, बहुजन नेताओं पर भी आऊंगा, सोचिए कि ज्योतिराज सिंधिया क्यों गए बीजेपी में ही। सिंधिया ठाकुर थे, सवर्ण थे। गौरव भाटिया के पिता, जो कई बार सपा के सांसद रहे, वो क्यों गए बीजेपी में ही। और अब मैं बताता हूं, बीजेपी में उदित राज गए, वापस आ गए। रामविलास पासवान जी गठबंधन में थे, बार बार उसको धमकी देते रहते थे। ओपी राजभर बीजेपी गठबंधन में गए, बाहर आ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ओपी गठबंधन में गए, वापस आ गए। इसकी वजह क्या सोचते हैं आप? स्वामी प्रसाद मौर्य MIM में भी जा सकते थे, बसपा में भी जा सकते थे, बसपा में थे, फिर सपा में, बीजेपी में गए, फिर सपा में आए। सिर्फ सत्ता नहीं है इसकी वजह, इसकी वजह है वैचारिक सहमति। इस देश का जितना भी सवर्ण समाज है, वो पहले कांग्रेस, जब बीजेपी नहीं थी तो वो कांग्रेस से अपनी वैचारिक सहमति रखता था, लेकिन वो उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, क्योंकि कांग्रेस जो है वो थोड़ा बहुत कभी शिंदे को मुख्यमंत्री बना देना, कभी केरनारायण साहब को राष्ट्रपति बना देना, तो थोड़ा बहुत चलता था। लेकिन जैसे ही लगा सवर्ण समाज को कि अब कट्टर हिंदुत्व वाला, घोर जातिवादी, घोर आरक्षण विरोधी और घोर मुसलमानों को टाइट करने वाली बीजेपी अपनी आ गई है, उनकी आइडियोलॉजी यही है, उनकी विचारधारा यही है, जिसको वो राष्ट्रवाद का नाम देते हैं, तब उन्होंने थोक के थोक भाव में वो बीजेपी में चले गए। कांग्रेस तो खाली ही हो गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को देख लीजिए, दर्जन के दर्जन विधायक पार्टी बदल के चले जाते हैं, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी, अब देखिए भूपेश बघेल पिछड़ा नेता था, उसको राहुल गांधी हटाना चाहते थे, लेकिन सारे छत्तीसगढ़ के SC ST OBC विधायकों ने कहा कि भैया इनको हटाइएगा तो हम बगावत कर देंगे। मैं यूपी चुनाव पढ़ा रहा हूं। आज अर्पणा बिष्ट सिंह बिष्ट ने अपने परिवार की पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। वही शिवपाल यादव, नाराजगी हुई भतीजे से, लेकिन वो नई पार्टी बनाए, बीजेपी में नहीं गए। इसका मतलब है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, अगर उनके अंदर वैचारिक समझ है और वो पार्टी भी बदलते हैं तो वो कम से कम बीजेपी में नहीं जाते हैं। लेकिन SC ST के लोग, चूंकि संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान है, पॉलिटिकल पार्टियों में रिजर्वेशन का प्रावधान है, तो वो हर पार्टी से चुनाव जीतते हैं, लेकिन वो समाज के प्रति उतने तटस्थ नहीं होते, क्योंकि उनकी पूरी नरसिंह जो है फूले पेरियार अंबेडकर यहां तब समझ में आता है जब आप MA करते हैं, PhD करते हैं। रामविलास पासवान, लालू यादव, शरद यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, ये सब हाईली एजुकेटेड थे। मायावती, कांसीराम, दिलीप मंडल, ये सब हाईली एजुकेटेड थे। सोचिए, मैं जब मैट्रिक में था, ग्रेजुएशन में था, तो मेरी अंबेडकरिज्म को लेकर कोई समझ नहीं थी,
फुले पेरियार अंबेडकर को लेकर कोई समझ नहीं थी। जब मैंने एमए किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया और जब मैं मीडिया में नौकरी करने लगा टेलीविजन में, तब मैं जातिवाद का खेल समझने लगा। और जब मैंने दिलीप मंडल को देखा, जब प्रोफेसर विवेक को पढ़ने लगा, तब जातिवाद, तब बाबा साहब की किताबें उठाई, फुले पेरियार अंबेडकर की किताबें उठाई, तब जातिवाद समझ में आया। तो सवर्ण समाज का दसवीं क्लास का बच्चा हो, पांचवी क्लास का बच्चा हो, या पीएचडी हो, या सैन फ्रांसिस्को में नासा में नौकरी करता हो, वो सब एक ही तरह से सोचता है। जैसे पांचवी क्लास का बच्चा के दिमाग में भी यह है कि हमें दलित महिला का बनाए हुए हाथ का खाना नहीं खाना है, जातिवाद उसको घर में बता दिया गया। और जो पीएचडी करके नासा में नौकरी कर रहा है, वो भी चाहता है कि दलित समाज का, शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा, ओबीसी नासा में नौकरी करने ना आए। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है जेएनयू डीयू में, वो चाहता है कि एससी एसटी यहां नौकरी करने ना आए, हमारा राज रहे। वो सबसे पहले अपने परिवार को देखता है, अगर उसका परिवार का कोई नहीं मिलता है तो फिर वो अपनी जाति को देखता है, और जब जाति का नहीं मिलता है तो चाहता है कि सीटें खाली हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत एक जाति प्रधान देश है, यहां जाति के आधार पर सब कुछ होता है। इसलिए अखिलेश यादव को हर जाति का एक नेता अपने साथ रखना चाहिए, लेकिन उसको जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हो, जो अंबेडकर फुले पेरियार के आंदोलन को समझता हो, चूंकि मायावती की पार्टी हो, मुलायम सिंह की पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो, हेमंत सोरेन की पार्टी हो, डीएमके हो, ये सब सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं, ये कितना भी बुरा करेंगी तो कुछ ना कुछ सोशल जस्टिस के लिए करेंगी। इसलिए सवर्ण समाज के जो लोग यहां होते हैं वो नेता बनने के लिए होते हैं, उनके साथ उनका जमात नहीं आता है। कन्हैया अगर बीजेपी में चला जाए तो उससे कोई बीजेपी को फायदा नहीं है, क्योंकि उसका समाज तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ है। अपर्णा सिंह बिष्ट को बीजेपी में जाने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं है, उसका समाज तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ है। कोई ब्राह्मण नेता जाएगा बीजेपी में तो भी कोई फायदा नहीं, ब्राह्मण तो ऑलरेडी उसके साथ है। इसलिए वो लोग, जो मान्यवर कांशीराम साहब का फॉर्मूला था, उन्होंने फॉर्मूला बनाया था कि हर जाति में एक नेता पैदा किया, क्योंकि जाति सबसे पहले समझ में आती है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की समझ बाद में आती है। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने हर जाति का नेता खड़ा किया और उससे उनके साथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, सब जगह बीएसपी के लोग चुनाव जीत के आने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुजन एकता की बात की। कुछ लोगों को लगा, बहुजन नेताओं को, कि हम सब यही फॉर्मूला उन्होंने सवर्णों पर अपनाया कि हम ठाकुर, ब्राह्मण, ये नेता अपनी पार्टी में ले आएंगे तो हमारी पार्टी में वो वोट देने लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जाति देखकर, अपने नेता को देखकर वोट करते हैं, लेकिन सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को पहले देखकर वोट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अंबेडकराइट हो जाएगा तो वो किसी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं करेगा, चाहे कोई उसकी पार्टी जीते चाहे नहीं जीते। सवर्ण समाज के साथ भी यही है, वो हार जीत देखकर वोट नहीं करता है, वो आइडियोलॉजी देखकर वोट करता है। और जब से बीजेपी का उफान है, बीजेपी क्यों जीती है, सवर्ण समाज के वोट से नहीं जीतती है। ओबीसी की जो जागरूकता नहीं है, जो ओबीसी आज भी धर्म के चपेट में है और जिसको आरक्षण की समझ नहीं है, जिसको सोशल जस्टिस की समझ नहीं, जो स्कूल कॉलेज नहीं गया, वो बीजेपी को वोट करता है, क्योंकि वो धार्मिक रूप से हिंदू अपने आप को समझता है और है भी। जो शेड्यूल कास्ट कमेटी के लोग हैं, जो अंबेडकरिज्म नहीं साथ जानते हैं, वो भी बीजेपी को वोट देते हैं मुसलमानों से नफरत के नाम पर। ओबीसी का बड़ा तबका बीजेपी को वोट देता है न हिंदू होने पर ही, मुसलमानों से नफरत के नाम पर। तो मुसलमानों से नफरत करना ये बीजेपी की राजनीति है ओबीसी वोट के लिए, लेकिन उसकी असली राजनीति है कि आरक्षण खत्म किया जाए, निजीकरण किया जाए, सोशल जस्टिस खत्म किया जाए, और जो वर्चस्व है, सवर्ण वर्चस्व है, जो जाति का वर्चस्व है, उसको बना के रखा जाए। अब ये बात ओबीसी के लोग अब कुछ कुछ समझने लगे। अच्छा देखिए, बीजेपी को किसी भी एससी एसटी ओबीसी के नेता से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको शंभू से प्रॉब्लम है, बहुजन मीडिया से प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग ये बात खुलेआम बोलते हैं तो लोगों की समझ बढ़ती है। लगभग 10 करोड़ लोगों की एक सामाजिक समझ तो बन गई अभी। आज मुझे एक दोस्त है मेरे बांग्लादेश में, डॉक्टर है ओबीसी समाज से, वो बता रहे थे कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि ओबीसी उनको वोट दे रहा है उनके वजह से तो नहीं, वो बहुजन आंदोलन की वजह से, फुले पेरियार अंबेडकर की बैचारकी बढ़ती है तो उनका वोट बढ़ता है। बामसेफ का आंदोलन जैसे जैसे चलता है तो बीजेपी का वोट घटता है, कांग्रेस का वोट घटता है, बहुजनों का वोट बढ़ता है। तो सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो अंत में अगर किसी पार्टी को चुनेंगे तो वो बीजेपी को चुनेंगे।
अब बात आता है वोटर पर। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक विधानसभा का सीट है, वहां चारों पार्टी ने चार ब्राह्मण कैंडिडेट दिए हैं। अब मान लीजिए वो ब्राह्मण बहुल इलाका है, बीजेपी ने भी ब्राह्मण दिया है, सपा ने भी ब्राह्मण दिया है, बसपा ने भी ब्राह्मण दिया है, और मान लीजिए कांग्रेस ने भी ब्राह्मण दिया, तो आप बताइए कौन ब्राह्मण जीतेगा? वहां बीजेपी का ब्राह्मण जीतेगा, क्योंकि वहां कैंडिडेट भी बीजेपी है और ब्राह्मण समाज बीजेपी को वोट करेगा, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी बीजेपी से मैच करती है। अब आइए आपकी, मान लीजिए उसी सीट पर जहां ब्राह्मण जिताने की ताकत रखता है और सारे नेता ने, सारे दलों ने ब्राह्मण को वोट दिया, लेकिन बीजेपी ने वहां मुसलमान को वोट दिया, उसके बाद ही ब्राह्मण वहां वोट करेगा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को, क्योंकि उसे पता है कि भले विधायक मुसलमान बनेगा लेकिन उसकी नकेल आरएसएस और सवर्ण के हाथ में रहेगी। जैसे आपके 27 ओबीसी के मंत्री आपका आरक्षण नहीं बचा रहे हैं, जैसे बीजेपी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य किस नहीं गए, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में नहीं गए, नहीं जा पाए, उनकी हिम्मत नहीं थी, पार्टी जाने नहीं देती, वो समय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चूंकि पूरी मैरिसिंग उनकी हुई है सोशल जस्टिस की, तो वो आ गए वापस सपा में। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अब यूपी में क्या करें एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, बसपा भी उनकी पार्टी है, सपा भी उनकी पार्टी है, मुसलमानों की एमआईएम भी है, बीजेपी को हराना भी है। तो मुझे लगता है उसका एक तरीका और भी है, अगर ये पार्टियां रावण, अखिलेश, मायावती जी, ओवैसी सब अलग अलग अगर लड़ रहे हैं, तो अब समाज की जिम्मेदारी, आपको अगर लगता है कि एससी एसटी ओबीसी को बीजेपी से बहुत नुकसान है, आपका आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खतरे में है, कंपनियां बेची जा रही है, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय खतरे में है, जो मान्यवर कहते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जब लैंड रिफॉर्म बिल नहीं आ रहा है, जातीय आप पर अपराध हो रहा है, हर जगह ठाकुर दरोगा एसपी बनाए जा रहे हैं, डीएम कलेक्टर बनाए जा रहे हैं, तो एक तरीका आपके साथ है सवर्णों के तरफ, जिस दिन आप वोट डालना सीख जाएंगे, जैसे मुस्लिम समाज क्या कर रहा है, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट देता है, वो राजस्थान में कांग्रेस को वोट देता है, वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वोट देता है, वो बिहार में आरजेडी को वोट देता है, उसकी उसका लक्ष्य है कि किसी भी तरह से बीजेपी को रोका जाए। यही लक्ष्य एससी एसटी और ओबीसी को बनाना पड़ेगा कि हमें किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोकना है। अब आप देख लीजिए कॉम्बिनेशन, जहां बीएसपी का जीतने वाला है वहां बीएसपी का जिता दीजिए, जहां सपा का जीतने वाला है सपा का जिता दीजिए, जहां एमआईएम का जीतने वाला है वहां एमआईएम को जिता दीजिए, जहां बामन विश्राम का जीतने वाला है बामन विश्राम को जिता दीजिए, और जब ये सब जीत के आएंगे तो जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो ये गठबंधन में चले जाएंगे, ये बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बसपा सपा एमआईएम किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर इन पार्टियों में आपने सवर्णों को जिताया तो वो पार्टी तोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। अगर सपा में मान लीजिए सपा 100 सीट जीतती है, 400 सीट है ना, मान लीजिए एक बात कह रहा हूं, सपा 100 सीट जीतती है, बीएसपी 100 सीट जीतती है, एमआईएम 100 सीट जीतती है, कांग्रेस 100 सीट जीतती है, तो सपा के जो सवर्ण विधायक है उनके टूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बीएसपी के साथ तो ऐसा हजारों बार हुआ है, जो उसके सवर्ण विधायक है वो चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में मौका मिला तो कांग्रेस में, बीजेपी में मौका मिला तो बीजेपी में। तो ये भी आप कर सकते हैं कि आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ही विधायक जिताए, और ये भी हो सकता है कि अगर आप बीजेपी से एससी एसटी ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको जिता रहे हैं तो हो सकता है कि वो अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिले 100 पर अटक जाए तो आप सपा को 10-20 सीटों की कम हो या मायावती को 10-20 सीटों का कम हो तो वो चले आएंगे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए, ओपी राजभर आ गए। तो जो समझदारी इस देश में मुसलमानों में डेवलप हुई है वोट को लेकर, वही समझदारी अब शेड्यूल कास्ट में है, वो किसी कीमत पर बीजेपी को तो वोट नहीं देना चाहता है। जिस तरह से उनका जातीय उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से आरक्षण खत्म हो रहा है, जिस तरह से मारा जा रहा है, लेकिन यह सामाजिक चेतना ओबीसी के लोगों में नहीं है, क्योंकि उनका एजुकेशनल बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है, उनका सामाजिक पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। सोचिए अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बने हैं, अभी तक कोई बढ़िया ओबीसी का प्रधानमंत्री देवगौड़ा को छोड़कर नहीं बना, जबकि आपकी आबादी 7% है। मोदी जी को ओबीसी मत कहिएगा, वो आरएसएस के ओबीसी हैं, आरएसएस के दलित भी शेड्यूल कास्ट के भी लोग ऐसे ही होते हैं। सोशल जैसे स्टालिन पेरियार का पूरा आंदोलन है दक्षिण भारत में,
69% रिजर्वेशन है वहां, और ममता जयललिता ने दिया था जो ब्राह्मण थी, लेकिन उनको वोट मिलता था पेरियार के भक्तों से, पेरियार के मानने वालों से, तो उन्होंने दिया। तो अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग रहेगा, लेकिन एक बड़ी विडंबना है, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, जो आंदोलन वाले लोग हैं, उनको कम से कम जरूर विधानसभा और लोकसभा पहुंचाइए, क्योंकि आंदोलन वाले लोग ज्यादा। अब सोचिए कि 132 लोग एससी एसटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ओबीसी और एससी एसटी मिल जाए, अगर ये आंदोलन के लोग होते तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी केंद्र में, जिस तरह से वो आरक्षण विरोधी सरकार है, जिस तरह से कंपनियां बेच रही है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी का हक खत्म हो रहा है। लेकिन बीजेपी एक काम करती है, और कांग्रेस वो ऐसे एससी एसटी ओबीसी, अब तो कांग्रेस पर थोड़ा दब्बा कम लगाई क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं, और वो कुछ मजबूत नेताओं को नितिन राउत, राजेश लिलोटिया, खड़गे, अब मजबूरी में वो एससी एसटी ओबीसी बड़े नेताओं को ला रहे हैं फलक पर, चन्नी को सीएम बना रहे हैं, पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन बीजेपी ऐसे नेताओं को, एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को राजनीति में लाती है जो उसकी आइडियोलॉजी को मैच करे, या जो आवाज न उठाए, वो उदित राज को दोबारा मौका नहीं देगी। पहले कांग्रेस भी यही करती थी, जो नेता शेड्यूल कास्ट का अगर 3-4 बार एमपी बन जाएगा तो वो पार्टी भी खोलने की हैसियत में आ जाएगा, तो उसको वो रोक देते थे, और फिर एक ऐसा एससी एसटी ओबीसी का नेता ले आएंगे जो चुप्पा हो, जिसकी सोचने समझने की शक्ति ना हो, ऐसा हर समाज में मिल जाता है। आप सोचिए कि योगी की सरकार थी और दुबे की हत्या, दुबे का कार पलट गया, सारा ब्राह्मण समाज एक तरफ हो गया था बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि वहां सरकार बीजेपी की, लेकिन उन्होंने बगावत नहीं किया, मुख्यमंत्री से विरोध जताया, मतलब उनके लिए वो गुंडा था, क्रिमिनल था, उसके बाद भी समाज उनके लिए पहले है। सोचिए एक एप्पल के अधिकारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई यूपी में, पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा हो गया, क्लास वन की नौकरी मिली योगी जी को, मिलना पड़ा परिवार से। सोचिए गुप्ता की गोरखपुर में हत्या हो गई, पूरा गुप्ता समाज एकजुट हुआ, योगी जी को हरजाना देना पड़ा, जांच हुई, पुलिस वाले जेल में है, लेकिन एक वाल्मीकि की हत्या हुई, आप एकजुट नहीं हो पाए, आपकी ताकत नहीं, आपके नेता घरों से नहीं निकलते हैं। हाथरस में बेटी की रेप के बाद मर्डर हुआ, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हुई, बाद में जयंत चौधरी गए लेकिन चुप्पी है। अभी सोचिए 69,000 शिक्षक भर्ती को अखिलेश भी बोल रहे हैं, ओपी राजभर भी बोल रहे हैं, लेकिन 6 महीने तक ये लोग आंदोलन हुआ, ये लोग नहीं बोले, घरों से नहीं निकले। तो आपको देखिए, मैं किसी पार्टी का दलाल नहीं हूं, मैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज से आता हूं, और मैं इस देश के संविधान को मानता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस देश में जातिवाद खत्म हो। अब सवर्ण लोग मुझे कहेगा कि जातिवाद फैला रहा है, दरअसल इस देश में तुलसीदास जी ने कभी अपनी जाति नहीं बताई, क्योंकि वो जातिवाद करते थे, लेकिन कबीर ने अपनी जाति बताई क्योंकि वो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, संत श्रीमणि रविदास महाराज ने अपनी जाति बताई क्योंकि वो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। तो जो जाति छुपा रहा है वो जाति का लाभार्थी है, जैसे मैं बता रहा हूं बद्री नारायण, अभी जेएनयू में प्रोफेसर, लंबे लंबे लेख लिखे दलित समाज पर, लेकिन जब उनको मौका मिला जीबी पंत में नियुक्ति करने का तो उन्होंने ओबीसी के पर काट लिए। तो मैं कह रहा हूं जो हम लोग बोल रहे हैं वो जातिवाद खत्म करने की बात बोल रहे हैं, हम लोग संवैधानिक टर्म जो यूज कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। तो सोचिए जैसे अब उत्तराखंड देखिए, देश भर में कांग्रेस को एक भी सवर्ण समाज के लोग वोट नहीं करता है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग वोट करते हैं, और ये बात धीरे धीरे कांग्रेस को समझ में आने लगी है, इसलिए वो लीडरशिप दे रही है। तो यूपी में मुझसे रोज लोग फोन करके पूछते हैं कि भैया क्या होगा, तो यूपी में 3 चीजें होंगी, अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की अगर जनता समझदार है और उन्होंने अपना वोट नहीं बांटा और किसी एक सिंबल की तरफ वो बढ़े, चाहे अखिलेश की तरफ बढ़े, चाहे मायावती की तरफ बढ़े, चाहे ओवैसी की तरफ बढ़े, तो बहुजनों की सरकार बनेगी, उसमें खासकर ओबीसी अगर मायावती जी को वोट देता है या अखिलेश को वोट देता है तब सरकार बनेगी। अगर मुसलमान एक तरफा वोट करेगा, या तो वो मायावती जी के पक्ष में करे या अगर मुलायम सिंह के पक्ष में करे तो भी बात बन सकती है, लेकिन अगर तीनों जगह वोट बटेगा, ओवैसी मुसलमानों का वोट ओवैसी को भी जाएगा, सपा को भी जाएगा, बसपा को भी जाएगा, तो किसी की सरकार नहीं बनेगी। अगर ओबीसी का वोट, जिसकी 100% संभावना है कि बटेगा,
अखिलेश के साथ भी जाएगा, मायावती के साथ भी जाएगा, और मायावती अखिलेश के साथ भी जाएगा और बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ जाएगा, तो अभी बीजेपी आ जाएगी। अब रहे शेड्यूल कास्ट का वोट, शेड्यूल कास्ट का वोट भी लग रहा है कि बटेगा, वो मायावती के साथ भी जाएगा, योगी अखिलेश के साथ, अखिलेश के साथ भी जाएगा और योगी के साथ भी जाएगा, ओबीसी के साथ नहीं जाएगा। तो तीनों स्थितियों में बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं दिक्कत क्या होगी, ना मुलायम सिंह को दिक्कत होगी, ना अखिलेश यादव को दिक्कत होगी, ना मायावती को दिक्कत होगी, ना ओवैसी को दिक्कत होगी। फिर से बीजेपी आएगी तो गांव गांव में फिर से अत्याचार बढ़ेगा, कलेक्टर डीएम जाति विशेष के बनाए जाएंगे और फिर से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के आम जनता, नौकरी पेशा और मेरे जैसे पत्रकारों का की कटाई होगी, छटाई होगी, जो समाज के लिए ईमानदारी से लड़ रहे हैं। इसे बचने का रास्ता है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकमुश्त एक जगह कहीं प्लान करके वोट करें। आप नहीं करेंगे तो आपका खेल खत्म, फिर नहीं बचेगा आरक्षण, फिर 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला होगा, फिर बैठिएगा सड़क पर, सब निपटा दिए जाएंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को एक जगह मिल के वोट करना होगा, जैसे मुसलमान वोट करता है, तय कर लिया कि उसको पता होता है कि कौन जीतने वाला है। आपको यह तय करना पड़ेगा, अगर आपका वोट बटा, बीजेपी को हराने के लिए 50% वोट चाहिए, 15% मुसलमान, 15% दलित, ये दोनों भी बीएसपी के साथ आते हैं तो अभी 30% वोट होता है, सरकार नहीं जीतेंगे। अगर अखिलेश के साथ 15% मुसलमान और 25% ओबीसी आ जाता है तो अभी कितना होता है, 40% नहीं जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ ऑलरेडी आधा ओबीसी मतलब 25% ओबीसी के लोग हैं और 15% वहां सवर्ण है, तो 25 और 15 कितना हुआ, 30 और 10 40, और 5% वो दलित वोट भी ले जाएंगे तो 45% वोट लाके वो लीड करेंगे, नेक टू नेक फाइट होगा। तो ये बन रहा है यूपी का सिचुएशन। हो सकता है कि 10-20 सीटें किसी को कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए जहां एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का ओबीसी का वोट अगर अखिलेश को अकेले पड़ जाए 50%, तो अभी लीड लेंगे, लेकिन इसकी संख्या कम है क्योंकि अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया इस तरह का, उन्होंने कोई सोशल आंदोलन नहीं चलाया, वो अभी भी फरसा लेके घूम रहे हैं। तो समाज में हिंदू के नाम पर अगर अखिलेश यादव को लगता है कि उनको वोट मिल जाएगा तो टीवी बीजेपी के साथ है, इनकम टैक्स साथ है, ईडी साथ है, अखिलेश यादव को वही वोट मिलेगा उनकी जाति का और जो ओबीसी सोशल आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जो सामाजिक आंदोलन को समझता है, और उनको लगता है कि अगर फरसा लहराने से सवर्ण समाज, अगर आप लोग को लगता है कि मायावती अखिलेश को सवर्ण समाज का वोट मिल सकता है तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग इससे सहमत है। मुझे लगता है नहीं है, जब अखिलेश के परिवार में ही सवर्ण समाज की बहू बीजेपी में जा सकती है तो सवर्ण समाज वोट करेगा, मुझे तो शक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसपी को ब्राह्मण समाज के लोग वोट करेंगे, देखने वाली बात होगी, ये तो अद्भुत चमत्कार हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बीजेपी को फिलहाल शेड्यूल कास्ट का वोट जाता दिख रहा है, ओबीसी का वोट जाता दिख रहा है, सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं जाता दिख रहा है, लेकिन मुस्लिम वोट भी हो सकता है कि बटे, ओवैसी के साथ बटे और समाजवादी पार्टी के साथ बटे, बसपा के साथ बटे। तो बीजेपी फायदे में अभी दिख रही है, और बीजेपी के साथ सबसे बड़ा फायदा है कि उसके पास टीवी और अखबार है, उसका दो कार्यकर्ता हर घर में है और टीवी वालों ने शुरू कर दिया है कि सब हिंदुओं के खिलाफ अखिलेश यादव के साथ हो रहे हैं एकजुट। अखिलेश जी को मुझे लगता है जैसे बीजेपी की रणनीति अपनानी चाहिए, जैसे बीजेपी 15% मुसलमानों को इग्नोर करती है और सिर्फ अति पिछड़ों दलितों को रिजर्व सीट पर और अति पिछड़ों को टिकट मार देती है, मुसलमान वाला टिकट जो है वो अति पिछड़ों को मार देती है, अगर अखिलेश यादव सवर्णों का टिकट काट के उसको अति पिछड़ों में बांट दे, थोड़ा मुसलमान का कोटा बढ़ा दे, शेड्यूल कास्ट का कोटा बढ़ा दे, तो उनको फायदा हो जाएगा। रावण से जितना नुकसान अखिलेश यादव को हो गया है और सबसे ज्यादा फायदा बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हो गया है।
जो शेड्यूल कास्ट के इक्का दुक्का वोट टूटने वाले थे वो पूरा कंसोलिडेट हो गया बीएसपी सुप्रीमो के साथ। रावण को वोट मिले ना मिले बीएसपी को जाएगा। अगर बीएसपी में अगर सपा गठबंधन में रावण आ जाते तो मुझे लगता कि 5% वोट का स्विंग होता। वो तमाम शेड्यूल कास्ट के लोग जो अंबेडकराइट हैं, जो बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन से नाराज थे, जो सबसे ज्यादा सिस्टम में है, जो जिनको कास्ट एट्रोसिटी झेलनी पड़ रही है नौकरी में, वो लोग एक मुश्त ये देखते कि चलो अखिलेश यादव की हवा बह रही है, पिछड़े नेता आ रहे हैं, वो उसको वोट कर देते। और मुसलमानों भी लगभग तय कर लिया था कि वो उसी को वोट देंगे जो जीतेगा। तो ये सिनेरियो है। तो मैं अभी के हिसाब से कह रहा हूं कि बीजेपी का पलड़ा भारी है यूपी में, बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि उसके पास ओबीसी का 25% वोट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी ने सामाजिक आंदोलन का कार्यक्रम नहीं चलाया है। मुसलमान जो है वो अपनी भागीदारी का सवाल पूछ रहा है, तो हो सकता है वो वैसी को वोट करे। जब शेड्यूल कास्ट के लोग बीएसपी को करेंगे, जब पिछड़ा समाज के लोग अखिलेश को करेंगे, तो मुसलमान भी तो अपनी पार्टी ओवैसी को वोट करेगा। देखिए मेरी बातें जिनको बुरी लग रही है लगे, मैं जो बात सच है वही बोलूंगा। अब कुछ छोटी छोटी अब ब्राह्मण विश्राम जी हैं, वो भी कुछ वोट काटेंगे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो 400 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 220 25 250 पर लड़ लीजिए भैया, खुद 150 सीटें बांट दीजिए दूसरे नेताओं को, तभी आप जीत पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हां, जाट समाज के लोग सपा के साथ आए हैं आरएलडी से गठबंधन की वजह से। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता अगर एकजुट नहीं होते हैं, अगर ट्रायंगुलर मुकाबला होता है बीएसपी सपा और बीजेपी, तो बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन शर्त एक है कि आधा ओबीसी बीजेपी को वोट करता हो, तो हो अगर नेशनल दस्तक ओबीसी के घर घर पहुंचा है तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट का वोट कहीं चला जाए बीजेपी को नहीं जाएगा, लेकिन वो बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। फिलहाल सवर्ण समाज का वोट एकमुश्त बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है और वो जाएगा, उन्होंने काम भी किया है। कानून में को धत्ता, संविधान को धत्ता बताते हुए 2 दिनों में बिना किसी आंकड़ा का उन्होंने सब गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया है। वो रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, निजीकरण बढ़ा रहे हैं, 69,000 शिक्षक में 28,000 सीट ओबीसी का खा गए हैं। तो उनके साथ सवर्ण रहेंगे क्योंकि वो सवर्णों का साथ है दे रहे हैं। तो अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों में अपने हक अधिकार को लेकर जागरूकता नहीं होगी और वो टुकड़ों में बटेंगे, अगर वो एक बहुजन अम्ब्रेला के नीचे नहीं आते हैं तो मुश्किल होगी। और बीजेपी ने मानवर कांसी राम साहब का फॉर्मूला चुरा लिया है, बाकी एससी एसटी ओबीसी नेता भूल गए। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बड़े बड़े नेता अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का वोट तो उनके साथ जाएगा, लेकिन सवर्ण समाज का कितना भी बड़ा नेता सपा या बसपा में आ जाए या ओवैसी के साथ आ जाए, उनका वोट नहीं आएगा, क्योंकि वो समाज जागरूक है, वो जानता है कि उसको पार्टी को वोट देना है, आइडियोलॉजिकल पार्टी को वोट देना, अपनी जाति को नहीं। वो जाति के नेता को भी छोड़ देगा अगर बीजेपी और जात का नेता चुनना हो। जैसे कोई ब्राह्मण सपा में आता है तो ब्राह्मण पार्टी देखेगा, बीजेपी को चुनेगा, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लोग ये नहीं करते, वो जाति देख के वोट करते हैं कि हमारा जात का नेता बीजेपी में चलेगा तो बीजेपी को वोट कर दो। लेकिन अपर कास्ट ऐसे नहीं करता है, वो पहले देखता है पार्टी, और पार्टी उसकी नहीं जीतेगी तब देखेगा जात का कैंडिडेट। तो अभी तो उनको दोनों मिल रहा है, जात का कैंडिडेट भी मिलेगा और पार्टी अगर अगर बीजेपी ओबीसी को टिकट भरमार देती है, 300 टिकट ओबीसी को मार देती है, तो ओबीसी को लोग वोट कर देंगे जाति का कैंडिडेट देखकर। तो ये एक समस्या है और धीरे धीरे ही खत्म होगी। बहुजन आंदोलन जैसे जैसे बढ़ेगा, सोशल आंदोलन जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे जागरूकता आएगी। लेकिन फिलहाल का जो सिनेरियो है उसमें मैं बता दूं, आप किसी गफलत में नहीं रहिए, 10 मार्च को अगर एससी एसटी ओबीसी का वोट किसी एक पार्टी को एकमुश्त नहीं जाता है, चाहे वो सपा को जाए या बसपा को जाए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का वोट नहीं जाता है, तो बीजेपी 10 मार्च को योगी जी वापस आएंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरा काम है जमीन पर क्या हो रहा है उसका विश्लेषण करना, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं।
जो हकीकत है वो बता रहा हूं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। मैंने यूपी बिहार में भी यही बात कहा था, जब अखिलेश, जब आरजेडी के नेता अखिलेश ये तेजस्वी यादव ने सहनी को साइड किया, माझी जी को साइड किया, आज वो मुख्यमंत्री होते। अगर वो मुख्यमंत्री होते, अगर वो 10-10 सीट और बढ़ा के दे देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो क्या हुआ, सब पर सीट पर लड़ गए। अगर आप 243 सीटें थी तो आप 150 पर लड़ते, तो भी आप मुख्यमंत्री बनते। लेकिन आप 200 पर लड़के क्या किए, आप 100 सीट गंवा दिए, 100 सीट लेके मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अखिलेश यादव 250 पर लड़ते हैं तो अभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना, 150 सीट बांट देते, दे देते 5-10 चंद्रशेखर जी को, दे देते बामन विश्राम को, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी वाली पार्टी को दे देते। बसपा भी चाहे, लेकिन मुझे लगता है आप लोग, अच्छा एक एक और इश्यू है, क्या बसपा सवर्णों को वोट देगी तो सवर्ण वोट करेंगे बसपा को, आप लोग की क्या राय है? मेरी राय नहीं। सपा सवर्णों को टिकट देती तो क्या सवर्ण सपा को वोट करेंगे? मेरी राय नहीं। वो तो साफ है कि उनकी बहू जब चली गई तो दूसरा सवर्ण कौन वोट करेगा। लेकिन जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, उसके जो सारे जो थिंक टैंक है, जो एडवाइजर है, वो सवर्ण समाज के लोग हैं। जैसे अखिलेश यादव को समझाया जा रहा है कि रावण को अगर तुम ले आओगे गठबंधन में तो सवर्ण तुमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि रावण हार्डलाइनर है, वो सवर्णों के खिलाफ बात करता है। ठीक ऐसे ही अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को बिहार में समझाया गया था मनोज झा जी के जरिए कि अगर आप हार्डलाइन लेंगे तो सवर्ण वोट भाग जाएगा। नतीजा आपके सामने है। तो मेरा क्या है, मैं बिगाड़ के डर से ईमान की बात तो नहीं छोड़ूंगा, तो देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर अखिलेश यादव की पार्टी जीतती है तो मैं मान लूंगा कि सवर्णों ने उनको वोट नहीं दिया है, वो ओबीसी के लोगों ने एक मुफ्त वोट दिया है, अगर और मुसलमानों ने और दलितों ने वोट दिया है। मैं रिजल्ट भी बता दे रहा हूं, अगर अखिलेश यादव जीतते हैं तो मेरा विश्लेषण है कि उनको ओबीसी ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, सवर्ण दलितों ने दिया और पिछड़ों ने दिया। अगर BSP जीतती है तो मैं मान लूंगा कि सवर्णों ने इनको वोट दिया है। अगर सवर्ण का वोट बटता तो कांग्रेस भी जीतती। चलिए, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। सोचिए, आम आदमी पार्टी पर नजर रखेगा, वो सवर्ण को टिकट, अखिलेश जी से बातचीत हुई संजय सिंह की, अखिलेश जी ने कहा कि आप सवर्णों को टिकट दीजिए, सवर्ण वोट थोड़ा डिवाइड कीजिए। सोचिए, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को भी सवर्ण का वोट नहीं मिलेगा। वो होशियार है भाई साहब, बेवकूफ थोड़ी है वोट गिराने में। सबसे ज्यादा होशियारी से इस देश में सवर्ण वोट गिराता है, अपनी पार्टी का, आइडियोलॉजी वाली पार्टी का। उसके बाद मुसलमान वोट गिराता है, वो उस पार्टी को बेचारा वोट देता है जो हार, जो बीजेपी को हराए। लेकिन ये होशियारी ओबीसी में नहीं है, शेड्यूल कास्ट में नहीं है, ये प्रूव्ड बात है। तो ये देखो, अपनी बट व्हाट आई, अपनी, मुझे कोई कह रहा है अपनी जाति बता दो, भैया मैं ओबीसी कम्युनिटी से हूं और मैं जाति खत्म करना चाहता हूं, मैं कम्युनिटी की बात करता हूं, जो SC ST ओबीसी माइनॉरिटी, जो कि एक संवैधानिक संविधान में है, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हमसे नाराज ना हो, जो सच बात है मैं वही कह रहा हूं। आपको बहुजन मीडिया खड़ा करना पड़ेगा, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, सो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास ना TV है ना अखबार है। चलिए, आप लोग इतनी संख्या में जुड़े, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यही सलाह है कि जहां SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एक साथ वोट करेगा वो पार्टी जीतेगी, अगर SC ST ओबीसी माइनॉरिटी का वोट बटा तो गई भैंस पानी में। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।